नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का सतीश ऑनलाइन म्यूजिक क्लास में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे थाट के बारे में। देखिए, थाट का पहचानना, थाट में रियाज करना बहुत जरूरी है। अगर हम थाट जान गए तो हमारा शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर का ज्ञान होगा। किस राग में है, कौन सा राग किस थाट में है, उसमें सहूलियत मिलेगी। तो थाट का रियाज बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मिनटों में कोई गाना पहचान लें, गाना निकालना आ जाए, या कौन सा लाइन किस सुर पे जा रहा है, तो उसके लिए थाट का रियाज होना बहुत जरूरी है। और इसमें राग पहचानने का भी स्कोप है। तो सबसे पहले थाट का रियाज कैसे करें, तो थाट 10 होते हैं, आप सभी जानते हैं 10 थाट होते हैं। तो सबसे पहला थाट है बिलावल। तो ऐसा कुछ इसमें सीक्वेंस नहीं है कि पहला बिलावल है, उसके बाद भैरवी है, फिर भैरव है, ऐसा सीक्वेंस नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप प्रयास करेंगे तो एक सीक्वेंस बनाना होगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो सबसे पहला बिलावल, बिलावल का जो भी शुद्ध स्वर जितने हम लोग गाते हैं शुरू में, सा रे गामा पद निसा सानी धपा मगर, ऐसा जो सीखते के समय हम लोग गाते हैं, वह बिलावल थाट ही कहलाता है। बिलावल थाट में होता है सा रे गामा पद निसा सानी धपा मगर। ये बिलावल थाट में सात स्वर शुद्ध, जाने में आने में भी सात स्वर शुद्ध। अब बिलावल के बाद खमाज है, खमाज में शुद्ध नी लगा देते हैं। सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा, ये खमाज हो गया। अब उसके बाद काफी, तो काफी में नी कोमल तो है ही खमाज के जैसा, और इसमें ग भी कोमल है। इसको कैसे, सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा, काफी हो गया। उसके बाद भैरव, तो भैरव में कोमल रे और कोमल ध, या इसके बाद आप दूसरा थाट भी ले सकते हैं, जैसे आसावगी ले लीजिए, सा रे ग म प कोमल ध नी सा। कोमल ध हमने इसलिए कहा क्योंकि कोमल बोलने से अंदाज हो जाता है कि शुद्ध और कोमल में क्या फर्क है। तो आप कोमल बोल के गाइए, सा शुद्ध स्वर तो जानते हैं सब कोई, सागे गमा पद नहीं सानी धपा मगर, ऐसा गाते हैं सा रे कोमल गमा प कोमल धनी सा सा नी ध प म कोमल ग रे सा। तो बिलावल हो गया, खमाज हो गया, काफी हो गया, असावगी हो गया। यमन, इसमें तीव्र म लगता है, सा रे ग सॉरी सा रे ग मा
सा कोमल रे ग मा पा कोमल धजनी सानी कोमल ध पा मा ग कोमल रे सा। फिर तोगी हो गया सा कोमल रे कोमल ग तिव्र मा पा कोमल धनी सानी कोमल ध पा तिव्र मा कोमल ग कोमल रे सा। भैरवी सा कोमल रे कोमल ग मा पा कोमल धनी सानी कोमल ध पा मा कोमल ग कोमल रे सा। तो इसका रियाज करने से आप गाना निकालना सीख जाएंगे तुरंत 2 मिनट में। और कौन सा गाना, अगर कोई नया गाना गा रहा है तो उस पर बजाना आ जाएगा। कब? जब स्वर का ज्ञान हो जाएगा। और इससे स्वर ज्ञान होगा, सातों बारहों स्वर का रियाज हो गया आपका। और लमसम हर राग इसी स्वर, कोई ना कोई इसी स्वर में रहता है, तो राग पे भी कमांड होगा, स्वर पक्का होगा। इसलिए थाट का रियाज करना चाहिए, रोज करना चाहिए। तो शुरू में अब रुकना नहीं है, शुरू से लगातार करते जाइए। शुरू से हम बिलावल से शुरू करते हैं। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। तो इस तरह से 1 by 1 हर एक राग का उतराव आरोह अवरोह लगातार गाते चलेंगे और गाते आ जाएंगे। इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। आप कीजिए, हर राग पे आपको राग का ज्ञान होगा, स्वर ज्ञान होगा, आवाज निखरेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।